हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से मुझे बता दीजिए कंफर्म करके कि सौरभ भैया की आवाज आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं एनटीए अभ्यास के न्यूअर एमसीक्यूज गाइस। जो इन्होंने क्या किया है ना, एनटीए टीपीसी टेस्ट बोल के लॉन्च किया है और उसमें 80 के अराउंड, 80+ पेपर्स दे दिए इन्होंने, राइट? तो हम लोग ट्राई करेंगे 80 के अराउंड जो पेपर्स दिए हैं डेली थोड़े थोड़े डिस्कशन करेंगे। दिस विल बी ऑन ऑल्टरनेट डे, डोंट वरी गाइज, ऑल्टरनेट डे क्लास होगी तो आपके ऊपर भी बर्डन नहीं होगा। शाम 5 बजे होगी, आज हम लोगों ने 5:30 बजे लगा लिया है, बट दिस विल बी एट 5:05 होगा, ठीक है? 5 PM होना चाहिए। ये हम लोग मंडे करेंगे, वेंसडे करेंगे और सैटरडे करेंगे। सो रिमेम्बर दिस, नहीं सैटरडे नहीं, मंडे वेंसडे एंड संडे, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? तो क्या बोला मैंने, मैंने बोला भाई साहब, ओके ठीक है, याद रहेगा। कब कब रहेगा भाई क्लासेस, कब कब रहेंगी ये जल्दी से बता दो एक बार। मंडे वेंसडे एंड संडे, ठीक है? मंडे वेंसडे संडे को रहेगी ये क्लासेस, और इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। देखो पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन तो मिलना मुश्किल है, एक्सप्लेनेशन तो यही होगा, बट मैं आपको आंसर दे दूंगा। ये लाइव है भाई, चिंता मत करिए। ओके, दिस इज लाइव, सौरभ शर्मा इज लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। एमसीक्यूज आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, वेट वेट अ सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फिर। एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने पेश किया जाए जल्दी से, वेटर। ओके आ जाइए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। सौरभ शर्मा दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, वेट। ओके सवाल दिखा गया, जल्दी मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आई गेस। चलिए बस एक बार, हाँ क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, ये एनटीए के लेटेस्ट टेस्ट का है सारे पेपर्स, तो डोंट वरी, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग लिस्ट एंटाइटल्स द प्लांट्स एंड एनिमल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज विच अमॉन्ग दीज सूट फॉर द कंजर्वेशन दैट इज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इस सेट से सेलेक्ट, इधर से सेलेक्ट करना है, मतलब बेसिकली चार दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, उसमें से आपको एक सेट, करेक्ट सेट चूज करना है। तो यहाँ पे पूछा गया गया है गाइज आपसे, अगर आप मुझे बता पाओ जल्दी से क्या पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे पूछा गया एक्स सी टू कंजर्वेशन, राइट? XC2 पूछा गया है, तो यस XC2 के अंदर क्या क्या हो जाता है। XC2 का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, है ना? ऑफ साइट कंजर्वेशन तो क्या होना चाहिए, जू होना चाहिए क्या, और क्या क्या हो सकता है, कोई आइडिया है? एकदम आइडिया जल्दी जल्दी बता दीजिए। सीड बैंक हो सकता है XC2 के अंदर, है ना? उसके बाद और क्या हो सकता है, टिश्यू कल्चर हो सकता है, तो 1, 2, 3 हो सकता है या यस हो सकता है, तो डी लगा दिया जाएगा। मुझे कंफर्म करके बताइएगा पहला सवाल के लिए क्या होना चाहिए आंसर। ओके आ गया, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आ गया क्या सवाल, वेट आई गेस आ चुका है, चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। आ रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन के सामने आ गया, चलो अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर टू आपको क्या सवाल दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच। अब बताइए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। वेलकम, ओके गाइस जल्दी से आ जाइए जो जो ज्वाइन कर रहे हैं, लेट्स सी कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं हमारी क्लासेस को। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, थोड़ा रैपिड करेंगे, 50 के अराउंड एमसीक्यूज है, तो इसका क्या लगना है, क्या होना चाहिए। हॉर्मोन वासोप्रेसिन इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ये तो फंक्शन ही नहीं है, और इसका जनरली अगर आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखा है दैट माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल। हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से स्टोर हो जाता है, ठीक है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर आप इसमें सही भी मान रहे हो ना, तो ये तो गलत है ना, डिक्रीज लॉस ऑफ वाटर करता है ना, तो वन इज रॉन्ग। हॉर्मोन में नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं इसको, सोर्स इज एड्रेनल मेडुला, और ये क्या करता है, हार्ट रेट को और रेस्पिरेटरी रेट ये सबको बढ़ा देता है ना। हॉर्मोन ग्लूकागॉन बीटा सेल, नो मैन, ग्लूकागॉन क्या होता है, अल्फा सेल्स होते हैं ना, ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स हो जाते हैं, प्लीज लिख लीजिएगा, फंक्शन सही है। प्रोलैक्टिन सोर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज इज द राइट मैच ऑफ माइक्रोब एंड देयर यूज, माइक्रोब और उसके यूज का राइट मैच क्या है, आइए देखते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, अरे एसिड ये नहीं बनाएगा, इथानॉल बनाता है ना, इथानॉल, राइट? ओके, ग्लोमस ये क्या करता है, फॉस्फोरस से रिलेटेड था। एनाबेनानोस्टोक ये सही है, स्पिरुलिना क्या हो गया, यूकार्योट था क्या, गलत, यूकार्योट नहीं है, प्रोकार्योट है। मैं आप सभी के एक बार कमेंट्स देखता हूँ, बॉट ऑन हो चुके हैं, बॉट साहब आई गेस ऑन हो गए हैं, यस हाँ जी बॉट साहब ऑन हो चुके हैं। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ गाइस, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, ओके, रात को 11 बजे भी गाइस अपनी चैप्टर वाइज जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, तो अगर आप में से कोई बच्चा लाइव है तो मेंटी कैसे खेलते हैं आपको पता है ना, हाउ टू प्ले मेंटी, तो
मेंटी में हम लोग चैप्टर वाइज रात 11 बजे से आज से चालू करेंगे, तो आपको ऑल्टरनेट डे ये वीडियो मिलेगी और वो वाली तो डेली रहेगी, ठीक है। अब ये बता दीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डबल कार्बोक्सिलेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन तो सबको पता है, एंजियोस्पर्म वाली कहानी है ना। और डबल कार्बोक्सिलेशन क्या करना चाहिए जल्दी बताइए कमेंट में। C4 प्लांट खोजना चाहिए क्या? क्या हो जाएगा C4 प्लांट गाइस, जल्दी से बता दो। सोर्गम लगा दें? ओके लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं सौरभ भाई जी। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन के सामने आ रहे, ध्यान दीजिएगा। ओके ये कितना नंबर सवाल था वैसे? ये था फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। ओके इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड शेप टू द सेल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस। बताओ, शेप दे रहा है और उसको बर्स्ट होने नहीं दे रहा है ना, जल्दी से बता दीजिए उसके लिए क्या लगता है, क्या होना चाहिए? डन हो गया, ये देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। आ गया आंसर, यस आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? सेल वॉल था ना गाइज, वो वाला क्या था वो? सेल वॉल, सेल वॉल इज द रिजिड स्ट्रक्चर। वेरी गुड, आ गया तो आंसर 5 का क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या सवाल दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इविल क्वाड्रेंट। इविल क्वाड्रेंट बायोडायवर्सिटी के 4 मेजर लॉस वाला है क्या? 4 मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो लॉस क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज वाला है, एग्जॉटिक, याद आ रहा है? यस यस सर जी, याद आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक और। क्वेश्चन नंबर 7, क्या सवाल है? एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। क्या पूछा आपसे? रॉन्ग वन। आइए रॉन्ग वन आप लोग मिलके खोजो, तो क्या इसमें गलत है 7th नंबर पे? टाइम पूरा मिल रहा है ना, अब तो टाइम मिल रहा है, ठीक है बताइए। इम्बिबिशन अकर्स अलोंग द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है, पैसिव प्रोसेस ही है ये। ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, सही है। ओके और क्या है यहाँ पे? क्योंकि ऑस्मोसिस में तो सॉल्वेंट ही जाता है ना, और क्या लिखा हुआ देखते हैं। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट टेक प्लेस अलोंग द वाटर पोटेंशियल, ये भी सही है। एक्टिव आयनिक एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इज इट डाउन और अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट गाइस? दैट इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, समझ आया ये लाइन? अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ओके 8th देखते हैं। 8th नंबर सवाल, क्या सवाल है क्वेश्चन, आइए पढ़ के मस्ती करेंगे। डिफरेंट पिगमेंट इन्वॉल्व इन LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC में कौन कौन से डिफरेंट पिगमेंट आ जाते हैं? एक मॉलिक्यूल तो क्लोरोफिल ए का था, बट देयर आर एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, NCERT में लिखा गया है, ठीक है, एक्सेसरी भी तो साथ में थे, तो क्या होना चाहिए? ये सब ही होने चाहिए, ठीक है, क्या बोलते हो? लगा दिया गया, डी नंबर दिख रहा है ना ऑप्शन सबको, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी पूरा पढ़ पा रहे हो ना? यस हाँ पढ़ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9th क्या सवाल है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट एडवांस, मोस्ट एडवांस सबसे एडवांस C3 C4 कैम और ऑल ऑफ देम। आंसर ऑफ चॉइस इज मोस्ट एडवांस में कैम हो जाएगा। क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले हैं क्या ये वही वाले हैं क्या? जल्दी बताइएगा मुझे, कैम वाले। वेरी गुड, चलो आओ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट सवाल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वेट वेट वेट, सवाल लेके आओ इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 10th आया सवाल, द सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या लिखा गया यहाँ पे? सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म समझ पा रहे हो कि जनता में अलग अलग है, जैसे मेरे अंदर कुछ और होगा सीक्वेंस, तेरे अंदर कुछ और होगा, समझ रहे हो? लेकिन ये पप्पा से आता है ना, पप्पा और मम्मी से, याद आ रही है, समझ रहे हैं? तो पेरेंट से आ जाता है, बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, ये भी सही। चलिए तो ऑल ऑफ देम इज द आंसर ऑफ चॉइस, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, हार्ड फ्लोएम फाइबर। हार्ड फ्लोएम फाइबर कब आएगा? फ्लोएम फाइबर्स जनरली हम लोग पढ़ते हैं, जो भी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम दिखते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी फ्लोएम भी आना चाहिए उसके साथ, सेकेंडरी फ्लोएम विद अबंडेंट फाइबर्स आर द हार्ड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ओके फ्लोएम फाइबर को एक और नाम से जाना जाता है, कोई कमेंट में बताएगा मुझे, फ्लोएम फाइबर्स को और दूसरा नाम से? बास्ट फाइबर है क्या? जूट, फ्लैक्स और हेम्प। एनसीईआरटी बायोलॉजी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12th पर आइए। ओके कॉर्टिकल सेल इन द मेज रूट परफॉर्म ऑल द फंक्शन एक्सेप्ट। ओके ऑल द फंक्शन एक्सेप्ट, कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है ये कॉर्टिकल सेल्स गाइस, बता दीजिएगा। गाइस अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आप पुराने हो तो आप एक काम कर सकते हो गाइस, यू कैन हेल्प अस रीच 70K माइलस्टोन, आप सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, इसका आंसर बताइएगा। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे हो,
मैं वीडियोस आप देख रहे हो 2 दिन से आ रहे हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, अगर आप नहीं देखते हो तो जरूर देखना चालू करिए, मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे, एटलीस्ट रिविजन हो जाएगा। तो लैटरल रूट, ओके तुम बताओ तो लैटरल रूट फॉर्मेशन में कौन मदद करता है? ठीक है चलो तुमने देख लिया मोनोकॉट है। सौरभ भाई लैटरल रूट फॉर्मेशन में पेरिसाइकल था क्या? क्या बोलते हो, पेरिसाइकल याद आ गया? यस याद आ गया तुम्हें। चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट, लैटरल रूट फॉर्मेशन में कौन मदद कर सकता है? पेरिसाइकल। प्लीज राइट दैट डाउन, जिनको नहीं पता था कि भैया मुझे तो पढ़ा हुआ नहीं है मेरा ये, ठीक है तो उनका नहीं पढ़ा हुआ तो ये चीज याद रखिएगा। ओके चल नेक्स्ट सवाल। तो इसका हो गया, ये क्या हो जाएगा फिर, इसका सी होना चाहिए ना। चल एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब आया थोड़ा नंबर वाला सवाल, बनाओ। इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, टेस्ट क्रॉस करवाया गया। ओके अब क्या हो गया, इस रेशियो में प्रोड्यूस हुए ऑफस्प्रिंग, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। बहुत इजी है, कभी भी ऐसा आया ना इसके लिए फॉर्मूला याद किया जाता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल ऑफस्प्रिंग बाय टोटल इंटू 100। चल जल्दी से निकाल दे, निकलेगा? पहले तीनों चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड करो तो कितना आएगा वैल्यू, जल्दी से बताओ चारों को ऐड कर दे कितना वैल्यू आएगा। ओके मैं सभी का देख रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट्स चल रहे हैं बढ़िया से। ओके वेरी गुड, आया क्या इसका, क्या लगता है क्या होना चाहिए? ओके जरा सा देखो ध्यान से भाई, आंसर आ रहा है? ओके हाँ जी बन रहा है भैया, वेरी गुड वेरी गुड। बना बना है, नहीं बना, एकदम बन रहा है। नहीं आया, मैं हेल्प करता हूँ, डोंट वरी। तो जब ऐड करेंगे ना चारों को कितना होगा, तुम आलसी हो तुम नहीं किए मेरे को पता है, ऐड करिए 2000 आएगा। ठीक है तो टोटल आएगा 2000। अब क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करना है, दिस फेलो रिकॉम्बिनेंट देख रहे हो आप, ये तो प्योर प्योर है ना दोनों ऊपर वाले, तो ये रिकॉम्बिनेंट है, दोनों को ऐड करिए तो कितना होता है वैल्यू, 108 प्लस 116 ना, ऐड कर दो कितना हो रहा है 24। ओके इधर 8 6 कितना हो गया 14। ओके वेरी गुड, 224 हुआ ना, 224 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 बोला है ना ये लाइन। चलिए वेरी गुड, अब क्या हो गया, इसको 20 से काटना है क्या? पहले एक बार 2 से काट दिया 11.2, ये क्या है 112 आ रहा है और ये कट गया तो 11.2 आ गया। सीएम का मतलब सेंटीमीटर है क्या? नहीं, क्या है, सेंटीमॉर्गन है क्या? वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके गाइज अगर आपको इसका पीडीएफ में ट्राई करूंगा, क्लास के एंड होते ही मैं 10 मिनट के अंदर पीडीएफ दे दूं आंसर्स मार्क करके, तो आपको क्या करना है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उससे क्या होता है ना मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो की मैं वहीं पे डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ, आप जल्दी से आ जाते हो। और ये बताओ बढ़िया सवाल, नॉलेज वाला इसमें होता है मस्ती। आओ देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फीचर दैट आर नॉट एप्लीकेबल टू पेरीप्लैनेट अमेरिकाना। नॉट एप्लीकेबल कौन सा भाई, कॉकरोच के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? चलिए यूनिसेक्सुअल एप्लीकेबल है, उसके लिए नॉक्टर्नल एप्लीकेबल, ओमाटीडी एप्लीकेबल है, मायोजेनिक हर्ट ना ये तो हमारे पास है, उनके पास न्यूरोजेनिक हर्ट है तो दिस नॉट एप्लीकेबल। बुक लंग्स, स्कॉर्पियन बोल रहे भाई सब कुछ ले ले मेरा, ठीक है तो ये तो नहीं होने वाला। हिमोसाइनिन मोलस्क हंसेंगे बोलेंगे यार तुम तो चोरी कर रहे हो, तो ये भी नहीं होने वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। यस वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग गाइस। चलिए एक और, द लाइफ साइकिल सीन इन ब्रायोफाइट, HD में देखने का अलग ही मजा है, क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लोंटिक, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, अगर आपको ये वाले जो NTA वाले पसंद आ रहे हैं मैं इसको 3 ही दिन करूंगा, चिंता मत करिए, डेली आपके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ने वाला, ठीक है मंडे वेंसडे और संडे ये 3 दिन का प्लान है, जिससे कि हम लोग NTA डिस्कस कर पाए शाम 5 बजे। तो अगर आप कल आने वाले हो मंडे को तो शाम 5 बजे आइएगा, जिससे आप कुछ मिस ना करो, राइट। आइए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, द बेसल प्लेसेंटेशन इन सनफ्लावर, ये थोड़ा याद रखने वाला है, मॉर्फोलॉजी मीन्स मेमोरी, एंड गाइस डोंट वरी, लास्ट ईयर जैसे मैंने 12-12 मिनट 15 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइनर्स खींचे थे, इस साल भी आने वाले हैं। तो इसके अंदर बाइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस और यूनिलोकुलर होता है, ठीक है बेसल बोला है ना तो आपको तो यूनिलोकुलर वाला याद रखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। 17th देखते हैं, 17th नंबर सवाल क्या दिया गया है, Which one is wrong regarding the function of cotyledon? Cotyledon का function के लिए इसमें क्या चीज गलत है? आओ देखते हैं, कुछ तो गलत होगा। Absorption of carbohydrate from the endosperm definitely करता है। Okay, अगर वो greenish color का हो, that might perform photosynthesis, जिनको नहीं पता है। Green, ठीक है। Storage of protein कर सकता है एकदम आराम से। Cotyledon याद आ रहा है? Yes, याद आ रहा है। कौन? Alluroplast ये सब पढ़ा था, Alluron ये सब चीज वाला, yes पढ़ा था। वेजिटेट प्रोपागेशन नहीं करता है, तो आंसर विल बी नंबर डी। जिनको आज ये नया सवाल लगा, जिनको नहीं समझ था सॉरी वो याद रखिएगा,
नाउ क्वेश्चन नंबर 18 खाते हैं, आइए ये भी एक थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, या ऐसे आएगा नहीं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन द मेंबर ऑफ लेग्यूम एंड क्रूसीफर, क्रूसीफेरेसी और लेग्यूमिनेसी में क्या सेम है? ठीक है, मार्जिनल वैक्सी, ओके, लैकिंग वैक्सिलरी एक्टिवेशन ऑफ द पेटल्स, और क्या लिखा है यहाँ पे, पोजेसिंग कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल हैविंग बाइकार्पेलिक गायनोशियम। चलो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है सवाल, ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट दैट। इसका आंसर होता है पोजेसिंग कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैंपाइलोट्रोपस हो जाता है, इसके जो ओव्यूल्स हो जाते हैं वो कैंपाइलोट्रोपस होते हैं, याद रखिए। ओव्यूल का डिफरेंट टाइप्स है गाइज, इफ यू वॉन्ट मी टू कवर दैट वीडियो आउटसाइड एनसीईआरटी थोड़ा सा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं एकदम ट्राई करूंगा वीडियो को उसको भी कवर करने का थ्योरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मैचिंग, ये मैचिंग तो बढ़िया है, मैचिंग तो आप कर सकते हो, क्या बोलते हो, और मैचिंग कर दो तो जल्दी से क्या लिखते हैं, क्या होना चाहिए मैचिंग करके, जल्दी कर दो। मैं देखता हूँ यहाँ पे मैचिंग कौन कौन कर रहा है, लेट्स सी कौन कौन मैचिंग कर रहा है, चलिए जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए आंसर भाई लोग, ओके आ रहे हैं क्या, कौन कौन वैसे आंसर दे रहा है, जरा नाम वाम देख लेता हूँ मैं, ओके आइए जरा सा नाम तो देखें, हर्षिता जी दे रहे हैं, और कौन कौन है यहाँ पे, ए के जी, निर्मला जी, अदिति जी, अंकिता जी, मेडिको गर्ल, तौसीफ, जगन, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मतलब शिखा जी, ओके वेरी गुड, आया आंसर, क्या लगता है क्या होना चाहिए 19 का क्या हो जाएगा, वो देख लेते हैं बी क्या, तो देखो फिनाइल की टनूरिया मेटाबॉलिज्म का इनबॉर्न एरर बोल सकते हैं, डाउन्स में क्या बोलना है, क्लीन फिल्टर तो गायनेकोमास्टिया, सौरभ भाई, तो सी का तो 4 होना चाहिए, सी का 4 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, एका थ्री बी से निकल जाएगा, डाउन्स में याद है पामर क्रीज फिंगर टिप्स, ओके पामर क्रीज ये सब पढ़ा था, यस तो वहां से रिलेशन आ जाएगा, लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द कंजेनिटल डिजीज ऑफ मेकल्स डाइवर्टिकुलम इज, ये थोड़ा गंदा सवाल है बाहर का, मेकल्स डाइवर्टिकुलम होता क्या है ना एक्चुअली, जैसे एक जो छोटा बच्चा है ना, ये छोटा बच्चा, ये बच्चा तो नहीं लग रहा है, बच्चा ये समझिए, इसका जो इंटेस्टाइन में इलियम का पार्ट है ना, वो एब्डोमिनल वॉल के साथ एक फिस्टुला ऐसा कुछ बना देता है, तो एक डाइवर्ट हो गया, मतलब इंटेस्टाइन का पार्ट अब कंटेंट उसके पेट के एक जगह से निकलने लग जाएगा, तो फीकल मैटर लगेगा पेट से निकल रहा है, ठीक है सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको मेकल्स डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, वो फिस्टुला भी बना सकते, मतलब वहां से वो निकला है, अब वो चाहे तो ज्वाइन करके यहाँ एब्डोमेन के वॉल से ज्वाइन हो गया, तो फीकल मैटर यहाँ से निकलने लग जाएगा, सोच रहे हो, दो वो प्रॉपर फीकल मैटर नहीं था बट वैसा ही लगेगा वो, तो आइलियम से होता है ये मेकल्स डाइवर्टिकुलम, 2 सेंटीमीटर या 2 इंच वाला था इसका कुछ कॉन्सेप्ट, मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा इसका भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स ऑब्जर्व 21, सिंपल सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथीलियम किसमें मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स, वेरी गुड, एंड ब्रोंकियोल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अलाउज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, अगर तुम कल मेरी क्लास में आए थे स्टडी विथ मी, हम लोग रात को 1:30 बजे से करते हैं, उस टाइम मैं भी पढ़ता हूँ, तुम अपना पढ़ते हो, मेरे को चैट्स नहीं दिखती है लिटरली, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, अच्छा मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, जिससे तुम यूट्यूब में कहीं और ना भागो डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो इसमें सारे सही है क्या, ऑल ऑफ देम सही है, हाई कंसेंट्रेशन और 2-3 BPG, याद है बच्चों में क्या था, लो था ना 2-3 BPG का कंसेंट्रेशन, कल बताया था स्टडी विथ मी में कि 2-3 BPG लो था, यस वेरी गुड, तो इसमें सारे सही है, ठीक है ओके। डिसोसिएशन हो रहा है तो कौन सा शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट, राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा आप बताओ, ओके ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन तो कैसा शिफ्ट होना चाहिए, राइट या लेफ्ट जल्दी बता दो, ओके आ गया आंसर, चलिए वेरी गुड, आया या नहीं हुआ, यस वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट लगा दीजिए भैया, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल, क्या सवाल दिया गया, अमोंग, बढ़िया सवाल है, नॉलेज, हैशटैग नॉलेज, ठीक है बताइए, अमोंग ट्रिप्सिन, रेनिन, अमाइलेज, सुक्रेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एरेप्सिन, न्यूक्लियेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस, चलो बताओ, व्हाट यू फील इज द आंसर ऑफ चॉइस, चलिए देखता हूँ मैं, देखूँ तभी तो मजा आएगा, चलिए जल्दी बता दीजिए, व्हाट यू फील इज द आंसर ऑफ चॉइस, आ गया, और चेक करता हूँ मिला या नहीं मिला, मैं हेल्प करता हूँ, तो सकस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस का कंटेंट, ट्रिप्सिन है नहीं है, रेनिन नहीं है, अमाइलेज तो नहीं था, सैलिवरी था और पेनक्रियाटिक होता है, सुक्रेज था हाँ, कार्बोक्सीपेप्टाइडिस था क्या, नहीं है तो पेनक्रियाज है, एरेप्सिन था ठीक है, और कौन है, न्यूक्लियस था क्या, न्यूक्लियस तो नहीं था, लैक्टेज था न्यूक्लियोटाइडिस था, डाइपेप्टाइडिस था, तो कितना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, आंसर विल बी नंबर बी, तो मजा आया इस सवाल में, अगर मजा आया हो तो लाइक करना, देखो क्या होता है लाइक करने से क्या होता है, चैनल रिकमेंड होता है दूसरे
find the probability of offspring which will have pure homozygous genotype for the first trait. First trait के लिए चलो उसको ए और वो वाला मान लेता हूँ, ठीक है, ए स्मॉल ए वाला गेम खेलेंगे. सेकेंड पे क्या लिखा है, सेकेंड के लिए हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला. प्योर होमोजाइगस फॉर द थर्ड ट्रेट, थर्ड ट्रेट सी को मान रहा हूँ, ठीक है. अब देखो उसको लिखना कैसे है, अगर पहला वाला मैं बोल रहा हूँ प्योर होमोजाइगस, क्या बोला जी, प्योर होमोजाइगस. अब प्योर होमोजाइगस को कैसे लिख सकते हो आप बताओ, आप लिख सकते हो स्मॉल ए और बीच वाला तो ये रहना चाहिए. अब ये जो ट्राई हाइब्रिड में प्योर होमोजाइगस फॉर द थर्ड, इसको स्मॉल सी लिख सकते हो, या फिर एक और प्रोबेबिलिटी बनती है ऐसी भी लिखने की, क्या बोलते हो, ऐसी बन गई, ये दोनों बड़ा है. अब तुम एक ये लिख के कैपिटल बी स्मॉल सी ये आ गया, और क्या लिख सकते हो आप मुझे बताओगे, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी ओके सारा हो गया क्या, एक बार चेक करके बताना. तो इतने ही आएंगे क्या, मतलब और कुछ छूटा है क्या? देखो इसमें क्या है ना, बीच वाला तो सेम ही रहेगा हेट्रोजाइगस, लेकिन जब आपको बोला है प्योर होमोजाइगस, दैट कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब बेसिकली होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है ना, और ये थर्ड में भी सेम कहानी. तो टोटल इतने ऑफस्प्रिंग इतने टाइप के तुमको देख रहे हैं. अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आ रहा है समझ में ना ये लाइन आपको, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए और सबको ऐड करना है ना, तभी होगा. चलो आओ करते हैं, अगर आप सीखने आए हो तो जरूर आप ये सवाल सीख के जाओगे आज. ओके कैसे, आप देखो सुनो, होमोजाइगस के लिए आप क्या लिखते हो, 1/4 क्या लिखना चाहिए जल्दी बताइए, होमोजाइगस 1/4 है क्या, ओके हाँ जी 1/4, 1/4 इंटू हेट्रोजाइगस तो 2/4 चलता है, 2/4 इंटू होमोजाइगस अगेन 1/4, तो एक्चुअली सबके लिए तो वही चीज है ना. तो अगर आप देखो 2/ कितना आ रहा है इसमें, 64, ठीक है, प्लस 2/64 अगेन, क्योंकि सब में तो सेम ही चीज चल रहा है, प्लस 2/64, ठीक है, प्लस 2/64 कितना आएगा आंसर, आया मजा आया ना सवाल पे, क्या बोलते हो, 8/64 लग रहा है, आया 2, 4, 6, 8 8/64. अगर आपसे सवाल बन गया तो आप समझिए जेनेटिक्स ओपी लेवल का आपका, मतलब ओवर पावर्ड लेवल का एकदम मस्त है. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. मैं कमेंट सेक्शन को जरा सा चेक करता हूँ, मजा था ये सवाल, क्या बोलते हो, ओके चलिए आइए नेक्स्ट देखिएगा सवाल क्या आ रहा है. भाई साहब आ जाओ, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने मैं दे चुका हूँ गाइज, आइए ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस लिखा गया है, GUG UUU ACA GAG और AUG, 5-3 प्राइम इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड mRNA, सेलेक्ट. अरे रे, कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में पूछा, कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है, पहला सवाल, 5-3 प्राइम होता है ना, तो सेम डायरेक्शन, इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट कोड रहेगा, सेम छापा कोड रहेगा, बस जहां पे यू है दैट इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, यूरासिल रिप्लेस्ड बाय थायमिन. आंसर चेक कर लीजिए क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए कमेंट में. मैंने बोला ना पक्का मजा आएगा, मैं एनटीए के सिलेक्टेड ही सवाल कराऊंगा और ऐसे कराऊंगा तुमको लगेगा यस, तो आंसर विल बी नंबर ए. चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27. आरएनए पॉल 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉल 3, एचएनआरएनए आरएनए पॉल 2 से होता है, किससे होता है, आरएनए पॉल 2 से होता है एचएनआरएनए, तो आंसर विल बी नंबर डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 28. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आओ पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू वॉटसन क्रिक मॉडल, डीएनए एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स in which the strands of polynucleotide are parallel, they are anti-parallel, galat. All type of pyrimidin are present in DNA. Is it so? All type of pyrimidin are present in DNA. ऐसा है क्या? Pituc होता है, P-Y-T-U-C. ठीक है, P-Y-T-U-C. इसमें all type आ रहे हैं क्या? Okay, uracil आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा. While one type of pyrimidin is present in RNA. सिर्फ एक ही आता है क्या? Sorry. Okay, एक तो नहीं आता, cytosine भी आता है ना RNA में तो. गलत है क्या? यस ओके. इन द न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द 3' कार्बन ऑफ वन शुगर, फाइन. ओके, और क्या लिखा गया है, ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द 5' ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, सही है ना ये. देखो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए ये 3' वाला OS लगा हुआ था. ओके, इसके नीचे जो सक्सीड कर रहा है इसको, जैसे हम लोग क्या, हम लोग सक्सीडर बोलते हैं कि हम लोग है, मैं हम लोग अपने पूर्वज के है ना, सक्सेसर सी है ना, क्या बोलते हो, सही पकड़ रहे थे टर्म को. यहाँ पे 5' है, ये 5' है तो यहाँ पे P, तो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, फॉस्फोडाइस्टर लग रहा है. यस वेरी गुड, तो आंसर भी नंबर सी. इन द न्यूक्लिक एसिड बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज नॉट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज नॉट कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक. गाइज क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोईस्टर बोल सकते हो, राइट है ना, और अगर ये दोनों जगह बनाए तो इसको फॉस्फोडाइस्टर बोलते हैं तब. चलिए क्वेश्चन नंबर 29.
What will be the probability in the individual of F2 generation showing exact resemblance to F1 generation if the polygenic trait is controlled by two gene pair? नया सवाल है. टू जीन पेयर से अगर पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल हो रहा है तो पहले उसको लिखते कैसे हैं? पहले लिखना आना चाहिए. ठीक है, याद आ रहा है उसका रेशियो था 1:4:6. क्या बोलते उसको, आगे क्या था, 1:4:6:4:1 था क्या, क्या बोलते हैं, ऐसा था रेशियो, याद आ रहा है कुछ? एकदम याद आ रहा है, यस ऐसा रेशियो था. अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी इन द इंडिविजुअल ऑफ F2 जनरेशन शोइंग एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू F1 जनरेशन. क्या लगता है क्या होना चाहिए? ओके, थोड़ा दिमाग विमाग लगाओ, थोड़ा सा आराम से सोचिए. यही था या फिर और भी कुछ इसमें चेंजेस था? क्या लगता है क्या होगा, बताइएगा मुझे, आराम से सोच के बताना कि भाई ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल क्या लिखा है यहाँ पे, शोइंग एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू F1 जनरेशन. थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर क्या हो जाएगा, आराम से निकलेगा, चिंता मत करिए. थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक का आपको फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, अगर आप फॉर्मूला याद रख पाओ तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ रहा कैलकुलेट थोड़ा करना पड़ेगा. एक होमवर्क दूंगा, टेलीग्राम पे इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको, आपको टेलीग्राम पे कहीं से सॉल्व करवाओ ये जरूर बताना है. पॉलीजेनिक का एक रेशियो आप याद रखोगे, और क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, शोइंग एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस, कौन से मिलने वाले हैं F2 वाले, बताइएगा. ठीक है, ध्यान से मार्क करना, आंसर चाहिए मुझे. आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, डोंट वरी. ओके चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा. ओके, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद द करेक्ट प्लॉइडी फॉर द सेल ऑफ द न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट. मार्क करिएगा, व्हाट यू थिंक इज द आंसर ऑफ दिस. डोंट वरी, आई हैव द आंसर्स, राइट, आई हैव द आंसर्स बिफोर कमिंग, आई लाइक, मेरे पास ही तो आंसर रहते हैं, तो चिंता मत करिएगा, एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा. ठीक है, चिंता नहीं करिए, कुछ तो आपके लिए होना चाहिए कि आप सर्च तो करो, अदरवाइज लोग सर्च ही नहीं करते हैं कि भैया क्लास देख लिया काम हो गया. न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n होती है क्या? एकदम, तो 2n कहीं दिया है, अरे वाह दे दिया. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 था ये, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, नेम द इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रिजर्व, ओके, प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ओजोन के लिए ODS, ओके याद आ रहा है, ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल था क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं. नाउ फॉर्म द लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, इससे आपको निकालना है, क्या निकालना है, विच ऑल अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन. चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पे चेंजेस बताना है. चलो कैलकुलेट मारियो, क्या लगता है बताना है इसका आंसर क्या होगा. तो भाई इसमें इकोलॉजिकल चेंजेस के टाइम पे, ओके क्या क्या पूछा गया, विच अंडरगो चेंजेस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, कौन कौन से इसमें चेंज होते हैं. अगर आपको F1 F2 का हिंट चाहिए, इसमें एक्चुअली क्या किया गया था, देखो सुनो, F1 वाला जो माना गया था ना, इसमें उसमें उसको हेट्रोजाइगस माना गया था. हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, देखो, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन इसमें हर एक डोमिनेंट का वैल्यू होता है. ठीक है, अब याद करिएगा, कुछ ऐसा एक बेल शेप का कर्व बनता था, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व बनता था, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि उसमें है ना, उस वाला जो सवाल था हल्का सा ट्विस्ट था, एकदम हल्का सा. ठीक है, इसमें उसमें लिखा नहीं है कि तुमको प्योर फॉर्म वाला को F1 मानना है, इसीलिए समझे. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पहले इसको डिस्कस करते हैं, डोमिनेंस, एनर्जी यूजेज एफिशिएंसी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेजिटेशन स्ट्रेटिफिकेशन, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन. तो इसमें पूछा गया है, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस चेंजेस, तो कौन कौन से होते हैं इसमें चेंज जाते हैं बताना, व्हाट यू फील, कौन कौन से चेंज जाते हैं. ओके आया गया आंसर, आइए मैं हेल्प करता हूँ. तो आप अगर देख पाओगे डोमिनेंस में चेंजेस आती है, डेफिनेटली डोमिनेंस में चेंज आती है. स्पीसीज डाइवर्सिटी में आती है क्या? यस आती है, एकदम बढ़िया. सक्सेशन बोला गया तो लिख लीजिएगा, डोमिनेंस में चेंज हो जाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी, दीज आर द थिंग्स दैट अंडरगो चेंजेस. ठीक है, लिख लीजिएगा. अब तुम पूछ सकते हो स्ट्रेटिफिकेशन क्यों नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या था, कि आपको एक ही जगह पे अलग अलग लेवल मिलता है, दैट इज योर स्ट्रेटिफिकेशन. तो हाउ कैन यू पुट स्ट्रेटिफिकेशन ओवर देयर, ये तो सक्सेशन बोला है ना आपको, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इफ यू डू रिमेम्बर ज़ेरार्क और हाइड्रार्क, राइट. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द एसए नोड जेनरेट एन एक्शन पोटेंशियल बाय स्टिमुलेटिंग द एट्रिया टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसए नोड फायर, क्या हो जाएगा, फायरिंग, पी वेव बनता है क्या, पी वेव बनता है, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, ए ह्यूमन सिंड्रोम, क्या लिखा है, ह्यूमन सिंड्रोम रिप्रेजेंटिंग द मोनोसोमी, मोनोसोमी इसमें से कौन से को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट स्टेप बता दीजिएगा. मोनोसोमी पूछा है गाइस, व्हाट यू थिंक इज द आंसर ऑफ चॉइस. ओके क्या हो गया भाई, आप चैट में, ओके कौन चैट में है जी, ओके क्या हो गया भाई, ओके
मिस्टर मेडिको बायोलॉजी वो बॉट ऑन है, डोंट वरी गाइस, आपको है ना ये वाला बॉट बॉट आंसर कर रहा है, डोंट वरी। चलिए गाइस 100 लाइक के हम बहुत करीब पहुंचने वाले। अगर आपको एफर्ट्स लग रहे हैं कि भाई मजा आ रहा है ये वाला सवाल, तो ऐसा तो हम लोग को समझना चाहिए ऐसे सवालों को, तो आप जरूर करिएगा। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है? 2n-1 लिखते हैं क्या? यस लिखते हैं। क्लीन फिल्टर होगा? नहीं होगा। डाउन्स होता है? ट्राइजोमी होता है। एडवर्ड में भी ट्राइजोमी होती है। एडवर्ड का चीट कोड लोगे? अगर तुमको चाहिए तो E418, E418 लिखते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे, तो E418, 18 क्रोमोसोम का ट्राइजोमी होता है। तो दिस इज ट्राइजोमी, 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 तो आंसर आ गया टर्नर्स। ठीक है, टर्नर में XO लिखते हैं तो आ गया मोनोसोमिक कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर फंक्शंस बाय हाइपर पोलराइजेशन रैदर देन डीपोलराइजेशन। ये थोड़ा याद रखिएगा, आंखों के अंदर जो तुम्हारे न्यूरॉन्स वाला जो कहानी है ना, आईज के अंदर रेटिना वाला, तो वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हाइपर पोलराइज स्टेट में जाते हैं जब उनको कोई भी इमेज जनरेट करना है, हाइपर पोलराइज। ठीक है, मोर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 36, आर्कियोप्टेरिक्स शुड बी क्लासिफाइड एज बर्ड। आर्कियोप्टेरिक्स को बर्ड क्यों बोलना चाहिए रैदर देन ए डायनासोर? डायनासोर भी तो बोल सकते थे, है ना, डायनासोर ने बोल के उसको बर्ड क्यों बोल रहे हैं? स्केल्स, ओके ऐसा तो नहीं था। ओके स्केल्स तो भैया ओके रेप्टाइल बोलते, हमारे पास भी है। टूथलेस, इलोंगेटेड माउथ लाइक बीक, ओके चलिए आया। और आगे पढ़ते हैं, ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि डायनासोर में भी तो एक जन था ऐसा, याद आ रहा है, यस याद आ रहा है। ओके टेल सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न, ओके मॉडर्न बर्ड के पास टेल है क्या? नहीं, लेकिन एक फ्लाइंग एबिलिटी के लिए कॉलर बोन फ्यूज है, कॉलर बोन फ्यूज होता है। अगर आपको पता है जो बर्ड्स होती है उनका भी कॉलर बोन फ्यूज होता है, अपना जो क्लैविकल देख रहे हो ऐसे निकला हुआ है ऐसे, इसीलिए मेरा ऐसे ब्रॉड है ना अपना चेस्ट, तो लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं है, फ्यूज हो जाता है कॉलर बोन। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 ना, क्योंकि देखो आपको तो आर्कियोप्टेरिक्स बोलती है, भाई मेरे पास तो बीक के साथ है टीथ, क्या दिक्कत है अपने लोग। ओके व्हाट एविडेंस द साइंटिस्ट हैव यूज्ड टू एस्टिमेट व्हेन एंड वेयर द, कल रात को तुम आए थे मेरी क्लास में, वो जो फ्री क्लास हुई थी अनअकैडमी वाली, वो फ्री में अगर तुम आए थे तो तुमको ये आंसर देना चाहिए, क्या होना चाहिए? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट, आई एम लिटरली वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, व्हाट यू थिंक इज द आंसर ऑफ चॉइस? हेलो जी ये बताइएगा, मतलब आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, दिस वन, दिस आंसर ये आपको देना चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये आप अगर बताओगे तो मजा आएगा। चलो आ जाओ, ये वाला बताओ बहुत तुम्हें, अरे मैं पैसा, चलो जल्दी बता दीजिए। एनालिसिस ऑफ MDNA, याद है माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड Y क्रोमोसोम, 37 कल ही रात को डिस्कस हुआ था, तो आप देख पा रहे हो जो हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं NTA वाले वैसा दे रहे हैं, ट्रेंड में है, ठीक है चिंता ना करो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 38, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे गलत कौन सा है, बस 5 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे, 5 मिनट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग कौन सा है, ये मैं हेल्प कर दूं, ये जो क्राई वन ए भी कौन बोरर है, कौन बोरर इज ए लेपिडोप्टेरा, प्लीज राइट दैट डाउन, लेपिडोप्टेरा नहीं है, लेपिडोप्टेरन, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 39, 39 बढ़िया सवाल, ओपी सवाल, ओपी सवाल है गाइस, देखते हैं यहाँ पे। ओके कैन वी रीच 110 लाइक, 106 पे हम लोग अभी तक, यार क्या बोलते हो, आइए। तो बोरॉन द माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट डज नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बोरॉन किस में पार्टिसिपेट नहीं करता, आओ देखते हैं। मिथियोनिन में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं होता सर जी, सल्फर कंटेनिंग है ना ये, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड था, तो ये क्या नंबर डी होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में मदद करता, नाइट्रोजन में तो नहीं था, तो ये भी सही है, ये होगा। और कुछ है यहाँ पे, पोलन जर्मिनेशन को इनिबिट नहीं करता, इंड्यूस करता, बोलता है करो पोलन जर्मिनेट करो, तो ये, तो ए डी और एफ कहीं आए क्या ऑप्शन में, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट कैरेक्टराइज बाई, प्रेगनेंसी इज नॉट कैरेक्टराइज बाई, क्या लिखा गया है? HCG इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लेसेंटा, सही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉर्पस लूटियम रिटेन होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सोर्स मेजर यही बनता है, तो ये भी सही है। HPL कीप इंक्रीजिंग थ्रू आउट द, ये भी सही है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेनिक हार्मोन इंक्रीज होता है। पल्सेटाइल GnRH स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब, ये एक्चुअली जो GnRH है ना, ये तो ऑलरेडी पहले से हर बार होता है, जब अगर कोई कोई भी इंसान सेक्सुअल मेच्योरिटी गेन करता रहता है तब तो ये होता ही रहता है ना, याद है FSHLH निकलते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फीमेल में भी होता है, तो इससे कोई प्रेगनेंसी इंडिकेट नहीं होता है, टोटली रॉन्ग। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, बस थोड़ा सा और है खत्म करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन विच आर ट्रू, देखो अभी आप कमेंट में लिख रहे हो रहे हो, मतलब बोर क्या, मजे तो आ रहे हैं, ओके, लेकिन एक होता है आपको लीडर्स नहीं दिख रहे हैं, सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है, रात को 11 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगी,
एकदम क्लास में घुस जाना रात 11 बजे, ठीक है? 35 मिनट्स तक की क्लास होगी रात 11 बजे डेली। आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है तो एक बार पढ़ के आना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मेंटी का क्विज करेंगे डेली रात 11 बजे, रात के 11 बजे। अब ये बताओ, ओके, द कॉमन असेक्सुअल स्पोर इन फंजाई इज डिप्लॉयड एंडोजेनस, ऐसा है क्या? क्या होगा? आइए चलिए चूज करते हैं। टेप ग्रास इज एक्वाटिक वीड विच प्रोपागेट्स वेजिटेटिवली बाय स्टोलॉन। फ्यू पेरिनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक ऑल्सो। डायोशियस कंडीशन, ओके, तो इसमें लिखा गया भाई डायोशियस कंडीशन रिप्रेजेंट बाइसेक्सुअलिटी, डी तो टोटली रॉन्ग है, तो डी को एलिमिनेट करिए सौरभ भाई। और क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? आओ मैं हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं हेल्प कर दूं क्या? आइए ध्यान दीजिएगा गाइज, मैं हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। इसमें क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। आई नो दैट यू कैन डू द आंसर इजिली, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आंसर आपके जेब में पड़ा है, मिला, तो इसमें करेक्ट कौन सा लग रहा है? ये सौरभ भैया टेप ग्रास सही है। टेप ग्रास किसको बोलते हैं? थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, स्टोलन होता है टेप ग्रास में। प्लीज राइट दैट डाउन, ठीक है? प्लीज राइट दैट डाउन, वो सही है। और ये जो फ्यू पेरिनियल प्लांट और मोनोकार्पिक ऑल्सो, ये क्या लगता है, ये सही है, ये क्या है? ये सही, ऑब्वियसली सही है, तो सी नंबर सही है। जैसे एग्जाम्पल पेरिनियल, फ्यू पेरिनियल, फ्यू मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं। जैसे बैम्बू, बैम्बू पेरिनियल है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक रह रहे हैं लेकिन वो मोनोकार्पिक है। क्या बोलते हो? समझ आया नहीं आया? जिसको नहीं आया बताना मुझे भाई कि कहीं कोई अगर दिक्कत है तो। इफ एनीवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम गाइज आप कमेंट में बताना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। क्वेश्चन नंबर 42, क्या सवाल है? रीड द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे कुछ रॉन्ग है क्या, वो बताते हैं। प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एम्ब्रायो, क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज आर डिस्टिंक्ट। जैकफ्रूट, मैंगो, इज इट सो? एक एक बात बताओ, एग्जाम में तो हमेशा एक ऑप्शन में एलिमिनेट करोगे। आम का पेड़ है, आम का पेड़ में क्लियर कट दिखता है क्या? नहीं दिखता। अभी गर्मी में मैंगोज आ जाएंगे, मैंगोज है। अब ठंड में जब मैंगो नहीं रहेगा तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ये मैच्योर नहीं हुआ क्या पेड़? बट वो तो ऑलरेडी एक बार तो सीजन कर चुका है, तो क्या हो जाएगा उसमें? उसमें भाई वो उसके अंदर गैप आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो क्लियर कट नहीं है। तो आंसर ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो ये होना चाहिए आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जेनिटल वॉर्ट्स, हेमोफाइलस ड्यूकरी, इज इट सो? ना, वॉर्ट्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस था, HPV, ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 44, द अमाउंट ऑफ DNA इज 20 picogram, ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन माइटोसिस। ओके, ये जो माइटोसिस का स्टेज है कौन सा? ये तो एनाफेज है ना, एनाफेज है, तो 20 picogram, टोटली ये 20 picogram है, टोटल को बोला गया है। What will be the number of chromosome and the amount of DNA in its mother cell? तो देखो meiosis जो होता है, नहीं sorry, mitosis है ना, mitosis में क्या सीखते हो आप बताओ मुझे? mitosis equational division होता है क्या? Definitely equational division होता है। तो मतलब ये chromosome जो खाली जो क्रोमाटिन ऐसे separate हो रहे हैं, तो पहले कितने थे? 4 ही chromosome थे, 4। तो इनकी जो mother cell है उनमें 4 ही chromosome होना चाहिए था, क्योंकि तो separate हुए, ये ऐसे करके separate हो रहे हैं ना, तो 4 ही होना चाहिए था chromosome, एक जगह दो जगह। अब एक बात बताओ, इसके अंदर डीएनए कौन से स्टेज में पूछा? G1, ठीक है, G1 में कुछ था लेकिन G1 के बाद S में डबल हो गया डीएनए, है ना, और यहाँ भी तुमको डबल्ड फॉर्म ही दिख रहा है, तो क्या करोगे तुम? उसको G1 में पूछा था, हाफ कर दोगे? टोटल यहाँ अगर 20 picogram है तो तुम हाफ करने वाले हो G1 निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा? 10 picogram। लेकिन यही सवाल अगर G2 पूछा जाता तब तुम 20 का 20 ही रहने देते। क्या बोल रहे हो? समझ आया नहीं आया गाइस? अगर आपको नहीं आया तो मुझे जरूर बताना कि भैया थोड़ी दिक्कत हुई। ओके, क्या क्या चीज आया, नहीं आया क्या? ओके, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा उस चीज को वीडियो के थ्रू समझा देने का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपके स्क्रीन देखो, ये माइटोसिस बोला गया है, प्लीज गाइस ध्यान दीजिएगा, ये माइटोसिस बोला गया, ठीक है, ये माइटोसिस बोला गया। एग्जाम में आप माइटोसिस मियोसिस नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इक्वेशनल था ये, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? इलुविएशन डज नॉट हेल्प इन एनरिचमेंट, लिखा है डज नॉट, इट डू हेल्प इन इलुविएटेड सॉइल, जो होता है एक जगह से दूसरा जगह लाया जा रहा है, याद है? यस, ह्यूमिफिकेशन मेंटेन द बायोजियोकेमिकल साइकिल लिखा है, ओके, और क्या लिखा है सर यहाँ पे? मोस्ट सॉइल हैव ओनली 2 horizon, नो, ABC वाला पढ़ा है ना आपने, OABC वाला, यस, रेड सॉइल कॉटन के लिए नहीं, एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र गुजरात तो उनको पता है रेड सॉइल नहीं है, ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल, तो दिस वन इज करेक्ट, बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द करेक्ट वन, लिमुलस इज टू बुगिल, बूथुस, बूथुस किसको बोलते हैं? स्कॉर्पियन,
स्कॉर्पियन के लिए क्या होगा? बुक लंग होगा. यस, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 47 गाइस, बायोल्यूमिनेसेंस किसका प्रॉपर्टी है भाई? टीनोफोर का प्रॉपर्टी है. टीनोफोरा, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द कार्डियक साइकिल ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी. इसमें क्या सही है बताओ? इसमें कोई तो स्टेटमेंट सही होगा. ओके, पी वेव से वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या रिलेशन है? गलत. क्यू वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इज इट सो? नो मैन, रॉन्ग. क्यू वेव क्या था? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन था. टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. दिस वन इज करेक्ट. क्यू आर एस क्या पूछा गया यहाँ पे, आइए देखते हैं. ओके, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट. ओके, एक्सप्लेनेशन अगर आपको पूरा मिल रहा है गाइस तो आप लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब किया तो शेयर कर सकते हो. आप एक वीडियो कोई सा भी अपने हमारे चैनल पे जो आपको एजुकेशनल बढ़िया लग रहा है उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करते हो YouTube उस वीडियो को रिकमेंड करता है. इसीलिए मैं बोलता हूँ, या लाइक करते हो तो YouTube क्या करता है, रिकमेंड करता है दूसरे बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके एक लाइक से या एक कमेंट से शायद YouTube एक बच्चे को शेयर ये खुद रिकमेंड करेगा, उस बच्चे को भी क्लास पसंद आ सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ब्रीड द ओके डिजीज फ्री प्लांट. डिजीज फ्री चाहिए तो मेरिस्टेम लेंगे. डिजीज फ्री मेरिस्टेम याद आ रहा है? यस, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 49 था क्या? ओके, 50 आज का लास्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल गैमेटोफाइट. डोंट वरी, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन, तो एनसीईआरटी के जो पॉइंट है ना, ये एनसीईआरटी का पॉइंट दिया गया है, ये एनसीईआरटी पॉइंटर है, चिंता मत करिए. बताओ इसका आंसर क्या होगा? द वेजिटेटिव सेल हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ये सही है, बट उसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है. स्पिंडल शेप न्यूक्लियस नहीं, गलत है. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. तो आंसर आपसे नॉट बोला है तो आंसर भी नंबर सी. अगर आपको 50 सवाल देख के मजा आया हो गाइस तो बढ़िया लगा मुझे भी आपके साथ क्लास करके गाइस कि हाँ भाई कोई तो सीख के जा रहे हैं. तो डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉर यू ओके एट 11 PM. आज रात को 11 बजे मैं आपकी अपेक्षा करूंगा. रात को आइए, ठीक है, इंतजार रहेगा. रात 11 बजे वो मेंटी होगा, ठीक है. तो डेली रात 11 बजे मेंटी होगा. और ये जो क्विज है कल शाम 5 बजे होने वाली है, और इसका टाइमिंग आप लिख लीजिएगा. ये मतलब कब कब होगी? मंडे, वेंसडे और संडे, ये 3 दिन रखेंगे. एनटीए, एनटीए के सिलेक्टेड बढ़िया सवाल. अगर आपको वीडियो में दम लगा तो आप शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच गाइस. टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है मैं पिन कर चुका हूँ. टेलीग्राम के फायदे क्या हैं? एक तो मैं अनअकैडमी पे क्लास लेता हूँ फ्री वाली, तो उसके नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हें वहां पे. तुम देख लो कि तुमको कौन सा इंपॉर्टेंट लगता है. जैसे अभी 7 बजे तुम मिलने वाले हो, रिप्रोडक्शन का यूनिट करेंगे, 45 मिनट्स की क्लास होगी, नियरली आ सकते हो आप. ठीक है, चलो जाओ, बाय, सी यू गाइस. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग.